नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल स्किल्स पर। मैं नरेश गोस्वामी आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ अपना नया YouTube वीडियो, जिसका टॉपिक है MCQ ऑन प्लम्बर ट्रेड थ्योरी। जो हमारा सिलेबस है बच्चों, वो लगभग सभी चैप्टरों का कंप्लीट हो चुका है, और MCQ हैं जो सभी चैप्टरों के MCQ हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब ये जो MCQ सीरीज़ आई हुई है, ये MCQ मिक्सअप है, सारे होल सिलेबस को कवर करेगी, और आपके ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, वीडियो है, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन द टीथ ऑफ हैंडसा इज कॉल्ड। जो स्पेस होता है हैंडसा के, जो टीथ होते हैं उनके बीच के जो स्पेस है, उनको क्या बोला जाता है? ए गुलेट, कार्ट, फ्लैंक, पिच। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, गुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज फॉर, मोस्ट कॉमनली जो बॉन्ड यूज होता है वो कौन सा बॉन्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है ब्रिक मशीनरी में? स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। तो जो चारों ऑप्शन हैं उनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है, इंग्लिश बॉन्ड है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ब्रिक मशीनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लियरेंस एंगल ऑफ ए ड्रिल इज, जो क्लियरेंस एंगल है ड्रिल का वो क्या होगा? 3 डिग्री टू 5 डिग्री, 8 डिग्री टू 12 डिग्री, 12 डिग्री टू 20 डिग्री, 15 डिग्री टू 20 डिग्री। तो जो चारों ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूजली द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द कॉनिकल पॉइंट ऑफ सब्सक्राइबर? इंक्लूडेड एंगल पूछा है कॉनिकल पॉइंट का, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 15 डिग्री। तो बच्चों जो वीडियो है उसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन पर mm², 1 न्यूटन पर m², 1 न्यूटन पर cm², 1 न्यूटन पर dm². तो डेसीमीटर होता ही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 न्यूटन पर m². नेक्स्ट इज, फेरस मेटल इज एन अलॉय ऑफ, फेरस मेटल के बारे में पूछा है, कौन सी मेटल का अलॉय होगी? आयरन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन, आयरन एंड कार्बन, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी है जो आयरन एंड कार्बन, उनकी एलॉय है फेरस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पाइप्स आर यूज्ड इन वाटर प्रोवाइडिंग प्लांट्स, वाटर प्रोवाइडिंग प्लांट्स के लिए कौन से मटेरियल की पाइप का यूज़ किया जाता है? कास्ट आयरन पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, SW पाइप, स्टोनवेयर पाइप। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, कास्ट आयरन पाइप इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, कास्ट आयरन इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड्स बिकॉज इट इज़ हैवी इन वेट, इट कैन रिजिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस, इट इज़ चीपर मैटर, इट इज़ ब्रिटल मेटल। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, इट कैन रजिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिवाइस इंस्टॉल्ड इन ए ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट रिवर्स फ्लो, रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? बैक वाटर वाल्व, बैक फ्लो प्रिवेंटर, बैक साइफनेज, बैक वेंट पाइप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैट्रिक माइक्रोमीटर व्हाट इज़ द पिच ऑफ द स्पिंडल थ्रेड, स्पिंडल थ्रेड की
पिच पूछा है इसने कितनी होगी, 0.1 mm, 0.5 mm, 0.2 mm, 0.01 mm. तो ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइपिंग पाइप फिटिंग यूज टू कनेक्ट ए सर्विस पाइप टू ए वाटर मेन. वाटर मेन्स को सर्विस पाइप से कनेक्ट करने के लिए कौन सी फिटिंग का यूज किया जाता है? एडजस्टिंग नट, फेरूल, कपलिंग, एयर वाल्व. बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है प्लम्बर के लिए, बेसिक बिल्कुल. तो फेरूल है जो वो कनेक्टर है बिटवीन सर्विस और मेन लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेप्टिक टैंक द वेंटिलेशन पाइप यूजली प्रोवाइडेड इज ऑफ. वैन सेप्टिक टैंक की वेंटिलेशन के लिए पाइप का डाया पूछा गया है, 100 mm डाया, 150 mm डाया, 75 mm डाया, 50 mm डाया. ऑप्शन नंबर सी 75 mm डाया के पाइप वेंटिलेशन पाइप के लिए यूज किए जाते हैं सेप्टिक टैंक में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लॉगिंग इज द मेथड ऑफ जनरेटिंग मिस्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ. फ्लॉगिंग का जो उपयोग है मेथड है कौन सी, किसके लिए किया जाता है? स्प्रे, सॉक, सैनिटाइजर, फिल्टरिंग. तो ऑप्शन नंबर जी सी सैनिटाइजर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फ्लॉगिंग का. तो जो वीडियो है उसको आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, हमारे एफर्ट जो किए जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट वाल्व इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वाल्व यूज्ड इन द मेन सप्लाई लाइन टू द. किस लिए गेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है? वेंटिलेशन लाइन के लिए, वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए, बैक फ्लो सिस्टम के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए. जो गेट वाल्व है उनका प्रयोग वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए किया जाता है मेन सप्लाई लाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर लिफ्ट पंप इज इंस्टॉल्ड टू ड्रा मोर वाटर फ्रॉम द डीप वेल. द पंप इज ऑपरेटेड बाय सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, एक्यूट एयर, कंप्रेस्ड एयर, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज. तो एयर लिफ्ट पंप के बारे में पूछा है किस कैसे ऑपरेट होते हैं. तो ये ऑप्शन नंबर सी कंप्रेस्ड एयर है, उसके मेथड पे प्रिंसिपल पे काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट मेटल एलोय किस चीज़, कौन सी धातुओं का एलोय है? वाइट मेटल, कॉपर, लीड, टिंक, एंटीनोमी. कॉपर, जिंक, एंटीन. कॉपर, जिंक, टीन एंड एंटीमनी. कॉपर एंड टीन. तो ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, जिंक, टीन एंड एंटीमनी इज़ द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, ज़रूर आ सकता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रेसर कपलिंग एंड वाइटेलिक जॉइंट बेसिकली आर बैक पुश जॉइंट, केमिकल जॉइंट, मैकेनिकल जॉइंट, एडहेसिव जॉइंट. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. मैकेनिकल जॉइंट है जो ड्रेसर कपलिंग एंड विक्टोलिक जॉइंट होता है जो. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोए कैन रजिस्ट साल्ट वाटर कोरोजन. तो साल्ट वाटर कोरोजन के लिए कौन से प्रयोग किया जाएगा? जिंक एलोए, गन मेटल, निकल, ब्रास. तो ऑप्शन नंबर ए है जो जिंक एलोए का प्रयोग किया जाता है रजिस्ट साल्ट वाटर कोरोजन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ सूटेड टू ए सिटी ग्रोइंग इरेगुलरली. इरेगुलरली मतलब जो प्लानिंग्स के हिसाब से सिटी नहीं बनी हो वहाँ पे कौन सा सप्लाई सिस्टम यूज़ किया जाएगा? ग्रिड आयरन सिस्टम, रेडियल सिस्टम, रिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम. तो जो इरेगुलर जैसे ट्री इरेगुलर होते हैं वहीं उसी का यूज़ किया जाएगा. इरेगुलर ट्रीज़ की ब्रांचेज इरेगुलर होती हैं ऐसे ही. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट. विच टूल इज़ यूज फॉर हीटिंग वाइल कैरिंग आउट सोल्डरिंग? टॉर्च, ब्लो, होल्डिंग, वाइंडिंग लैम्प. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ब्लो लैम्प. तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता देना. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जो वीडियो है उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर
वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।